देखो सब लोग, हमारे टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सब लोग लिखना शुरू करिए। सबसे पहले कंसेप्ट वन, मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड प्रॉमिसरी नोट, मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट लिखिए बेटा। व्हेन अ सेलर, व्हेन अ सेलर मेक्स क्रेडिट सेल, द सेलर वुड लाइक दैट परचेजर शुड गिव अ डेफिनेट प्रॉमिस इन राइटिंग। द प्रॉमिस इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट आगे लिखिए। देयर आर थ्री पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहला ड्रॉअर, अगला बेटा ड्रॉई, या इसी को बोलते हैं एक्सेप्टर, और तीसरा होता है पेई। ड्रॉअर के सामने ब्रैकेट में लिखेंगे द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉई के सामने लिखेंगे द पर्सन हु एक्सेप्टेड द बिल, पे के सामने लिखेंगे पार्टी टू हुम अमाउंट हैज टू बी पेड। उसके नीचे देयर आर टू पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, पहला मेकर, दूसरा पेई। मेकर के सामने लिखिए द पर्सन हु राइट्स प्रॉमिसरी नोट और पेई पे लिखेंगे पार्टी टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड।
ठीक है, लिख लिया। चलो अब स्क्रीन पे देखो। देखिए बेटा, आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले जरा समझते हैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। अभी हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अब देखो पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, शुरू करें। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, दो अलग अलग केसेस देखो और यहां से आपको समझ में आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। यहां देखिए, जैसे एक पर्सन है सेलर, एक पर्सन है बायर। सपोज करिए बायर ने सेलर से गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, वो भी क्रेडिट पे, वो भी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। तो आप बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कोई चीज परचेज करूं फर्स्ट टाइम, वो भी क्रेडिट पे, तो आपको डाउटफुल रहेगा ना कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वैसे सेलर को भी डाउट होता है, पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। और जबकि जबकि काम होता कैसे है, मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरर गुड्स देता होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, ये इनको क्रेडिट पे, ये इनको क्रेडिट पे। और फिर क्या होता है, ये कस्टमर को कभी क्रेडिट पे देंगे, कभी कैश पे। जब कैश कस्टमर से आएगा तो रिटेलर अपने पास रखेगा, वो आगे देगा होलसेलर को, होलसेलर से के पास से जाएगा कंपनी को। तो काम तो सारा बिजनेस में क्रेडिट पे ही होता है। अब यहां क्या हुआ, एक होलसेलर के पास मान लो एक रिटेलर आ गया, उसने गुड्स लिए बल्क में बहुत ज्यादा, लेकिन वो पैसे अभी नहीं देना चाहता और वो पहली बार परचेज कर रहा है। तो बेटा होलसेलर अपने मेंटल पीस के लिए कहता है कि ऐसा है, आप जैसे मान लो मैं होलसेलर हूं, आप बायर हो, ठीक है, आपने मुझसे फर्स्ट टाइम गुड्स परचेज किया, तो जब गुड्स पैक हो गए तो मैं पैसे मांगूंगा। तो आप कहोगे यहां तो सब क्रेडिट पे काम होता है, तो पैसे तो अभी दे नहीं पाएंगे। मैंने कहा कुछ एडवांस कर दो, आपने कहा नहीं कुछ भी एडवांस नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही परचेज करते हैं, आपको खरीद बेचना हो बेचो, नहीं तो हम कहीं और से ले लेते हैं। तो मैं अपनी मेंटल पीस के लिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं चलो ठीक है, आपने मेरे से सपोज करो 10 लाख के गुड्स परचेज किए हैं, तो मैं आपसे कहता हूं इस 10 लाख की कहीं लिखा पड़ी हो जाए, तब तो ठीक रहेगा ना। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक स्टैम्प पेपर मंगवाया, मैंने एक स्टैम्प पेपर मंगवाया और उस स्टैम्प पेपर पे लिख दिया गया कि बायर ने सेलर से 10 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया है और 2 महीने बाद इस पर्टिकुलर डेट को पेमेंट करने के करेंगे ये पेमेंट। अब इस पे बायर ने अपना सिग्नेचर कर दिया, सेलर ने अपना सिग्नेचर कर दिया। और ये स्टैम्प पेपर किसके लिए जरूरी है, जिसको पैसा मिलना है उसके लिए जरूरी है। तो ये इसने होलसेलर ने अपने पास रख लिया। अब सब कुछ रिटर्न में हो गया, रिटर्न में हो गया ना बेटा, रिटर्न में हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बताओ जरा, अब इसके की पॉइंट, स्टैम्प पेपर किसने मंगवाया था, सेलर ने, उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस किसने लिखा, तो सेलर को बोलते हैं मेकर ऑफ द बिल, समझ आया। अच्छा अब बताओ पढ़ के साइन किसने किया, तो एक्सेप्टर कौन हो गया, बायर हो गया, बात समझ में आई। तो इसको हम बोलते हैं, अच्छा स्टैम्प पेपर पे क्यों बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉर्मल पेपर पे होगा तो कोर्ट में केस नहीं हो पाएगा, अगर स्टैम्प पेपर पे ये सब लिखा जाएगा तो हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो ये पैसा नहीं देगा तो कोर्ट में केस करके इससे पैसे निकलवा लेंगे, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बताओ ठीक है बेटा, आगे सुनिए। अब यहां आओ दूसरा, एक दूसरा केस। अब मान लीजिए ये पर्सन है सेलर, मैं हूं सेलर, आप हो गए बायर, आप मेरे पास गुड्स परचेज करने के लिए आए, आपने गुड्स परचेज किया सपोज दैट 12 लाख का, मैंने पैसे मांगे तो आपने भी फर्स्ट टाइम परचेज करी मुझसे, फर्स्ट टाइम की परचेज है ये, मैंने आपसे पैसे मांगे तो आपने कहा बिजनेस में सब क्रेडिट पे होता है, अब हम इसको लेके जा रहे हैं, जब ये बिकेगा पैसे मिलेंगे तो हम पैसे लाके देंगे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं,
हम मैक्सिमम 15 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, 15 दिन बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे, या मान लो 2 महीने कर देते हैं, 2 महीने बाद पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने कहा ठीक है, तो अब फिर से सुनो, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, आपने मेरे से 12 लाख के गुड्स परचेज किए फर्स्ट टाइम, मैंने पैसा मांगा, तो आपने कहा पैसा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम स्टैम्प पेपर लेके आए हैं और इस पे लिख के आए लाए हैं, सब कुछ लिख के लाए हैं, बस ये फिल करना है कि कितने का मैंने गुड्स खरीदा और ये फिल करना है किस डेट पे आपको पैसा चाहिए, समझ आए, और दोनों लोग के सिग्नेचर। अब बताओ स्टैम्प पेपर कौन लेके आया था? बायर। टर्म्स एंड कंडीशंस किसने लिखा? बायर ने। अच्छा, मतलब लिखा उसने, कंडीशन तो फुलफिल उसी की होगी, सेलर की है ना भाई, क्रेडिट पीरियड तो वही बताएगा, समझ आए। अच्छा, अब बायर और सेलर दोनों ने साइन कर दिया। नाउ दिस इज नोन एज प्रॉमिसरी नोट। बेसिक डिफरेंस क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है और प्रॉमिसरी नोट बायर बनाता है, समझ आए, उसको बायर बनाता है। अच्छा, अब यहां देखना, इसको बायर बनाता है, अब ये बनता, ये भी स्टैम्प पेपर पे ही है, यहां भी सब काम स्टैम्प पेपर पे होता है बेटा, तो ये हमारे लिए प्रॉमिसरी नोट और ये हमारे लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो इधर, मैंने लिखवा जरूर दिया आपको, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, लिखवा जरूर दिया, लेकिन क्या है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, इन दोनों को जिसको पैसा मिलना होता है वो बिल्स रिसीवेबल नाम से दिखाता है, और जो पैसे पे करेगा वो अपनी बुक में बिल्स पेबल नाम से दिखाएगा। तो हम कोई लॉ नहीं पढ़ रहे कि हमको इसमें डिफरेंशिएशन चाहिए, समझ आया ना, हमारे लिए दोनों एक है। मुझे एंट्री बताना जरा, बताओ आपने मुझे पैसा दिया, मैं अपने यहां क्या एंट्री पास करूंगा, फटाफट बताओ, पैसा पैसा बिल नहीं, आपने मुझे पैसा दिया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, चलो लिखा कैश अकाउंट डेबिट और आपको क्रेडिट कर दूंगा, ये एंट्री है, मैंने आपसे पैसे लिए। फिर से सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा, आपने मुझे पैसे दिए तो एंट्री होगी मैं कैश को डेबिट करके आपको क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, आप जरा बताना, मैंने गन पॉइंट पे आपसे पैसे ले लिए, एंट्री क्या होगी? बात समझ में आई? तो इसका मतलब थोड़े ना होता है अकाउंट्स में पैसा मिला, मुख्य ये है, ठीक है। अब यहां भी वैसे है, अब पैसा कैसे आया उसको थोड़े ना हम लोग एंट्री में और नरेशन में कहीं लिखते हैं, तो यहां ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बायर और सेलर दोनों के लिए सिक्योरिटी होती है। कल को मान लो सेलर ने जो गुड्स बेचे थे डिफेक्टिव निकल गए, तो हमारे पास क्या प्रूफ है रिसीट के अलावा कि हमने उससे परचेज किया था, कैसे उससे पैसे निकलवाएंगे, समझ आए। तो इससे दोनों को सिक्योरिटी हो जाती है, और हमारे हालांकि हैं दोनों अलग अलग चीजें, जब आप पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो दोनों में डिफरेंस पढ़ोगे, लेकिन हमारे अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही है, समझ आए ना। दोनों स्टैम्प पेपर पे बनते हैं, दोनों सिंगल कॉपी में बनते हैं, और दोनों उसी के पास होते हैं जिसको पैसे मिलने होते हैं, समझ आए बेटा। जैसे मान लीजिए हम कोई हाउस परचेज करते हैं, तो हाउस परचेज करने पे भी सब कुछ होता है स्टैम्प पेपर पे है, वो भी सिंगल कॉपी में बनता है, वो भी उसी के पास होता है जो बायर होता है, लेकिन साइन दोनों के होते हैं, सेलर के भी बायर के भी, बिल्कुल वैसे ही। बात समझ में आई? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में ये डिफरेंस है, लेकिन हम लोग के लिए चाहे प्रॉमिसरी नोट लिखा हो क्वेश्चन में चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों में अगर पैसे जिसको मिलने हैं वो क्या लिखेगा? बिल्स रिसीवेबल, और जिसको पैसे पे करने हैं वो क्या लिखेगा बेटा? बिल्स पेएबल, समझ आए। अब आइए जरा ये पढ़िए, बस इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए अकाउंट्स के लिए। देखो मैंने क्या लिखा, व्हेन अ सेलर मेक्स क्रेडिट सेल, जब मैंने क्रेडिट सेल करी आपको, द सेलर वुड लाइक टू परचेज, दैट परचेजर शुड गिव डेफिनेट प्रॉमिस इन राइटिंग। तो मुझे अच्छा लगेगा ना अगर आप रिटन में सारी बातें कर लो, तो द प्रोमिस इज इधर इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, मैंने बताया ना। अब ये प्रोमिस किस में होगा, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में या तो प्रोमिसरी नोट में। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है तो उसमें 3 पार्टीज होती हैं, कौन कौन? ड्रॉअर, ड्रॉअर मीन्स मेकर, किसने लिखा था बिल बोलो? सेलर ने, तो सेलर इज ड्रॉअर। किसने एक्सेप्ट किया था?
ही इज ड्रॉई, समझ गए ना, और पे ही होता है वो जिसको पैसे मिलते हैं। मैं ये समझाता हूं, ऐसे नहीं आएगा। इधर देखो, देखो मैंने क्या कहा था, होलसेलर से रिटेलर पैसे खरीदने, सामान खरीदने आए हैं। बोलो बेटा, ये बताओ होलसेलर है ना, ये मैन्युफैक्चरर थोड़े ना है, ये भी तो कहीं से खरीद के लाता होगा। अब मान लो ये मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाता है, तो भाई देखो ये इनसे सामान लेके आता है, इनको बेचता है, तो जब इनसे पैसा मिलेगा तो वही पैसा तो आगे फॉरवर्ड करेगा, इसको भी तो पेमेंट करनी है लोगों को। तो तमाम दफे ऐसे होता है, होलसेलर कहता है कि ऐसा है, एक बार तुम हमको पैसा दोगे फिर हम यहां पैसे देने जाएंगे, तो वो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है ना, तो इसी में लिख दिया जाता है, इसी में एक कंडीशन डाल दी जाएगी कि ये पेमेंट कर देंगे मैन्युफैक्चरर को। तो डायरेक्ट हमारा बायर किसको पेमेंट कर देगा, मैन्युफैक्चरर को। आप बताओ पेमेंट किसको गई, ही इज पे, समझे, नहीं गई, इसने खुद कलेक्ट कर लिया, तो ही इज ड्रॉअर एज वेल एज पे, समझ आए बात। जिस अब बताओ फटाफट, जो बिल लिखता है ही इज नोन एज ड्रॉअर, सेलर समझने के लिए बताया, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलोगे, ड्रॉअर या मेकर। जो एक्सेप्ट करता है वो, या एक्सेप्टर, और जिसको पैसे मिलते हैं वो ड्रॉअर में भी या पे, और पे कोई और भी हो सकता है। तो ये देखो, ये हमने यहां पे लिखा, यहां हमने लिखा सबसे पहले ड्रॉअर, स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले ड्रॉअर, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉई द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, पे द पार्टी टू हुम अमाउंट इज टू बी पेड, जिसको पैसा दिया जाएगा उसको बोलेंगे पे। बताओ सब बच्चे, कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े। अच्छा अब यहां आओ, जबकि प्रोमिसरी नोट में बेटा केवल दो पार्टीज होती हैं, पहला मेकर और दूसरा पे। मेकर, आप अपना लॉजिक लगाओ, कौन हो सकता है मेकर, बायर, पे सेलर, या सेलर किसी और को पैसा दिलवाना चाहता है तो उसको दिलवाए। अरे इसमें क्या हुआ, दो पार्टी एक हो गई ना, मेकर और एक्सेप्टर तो एक ही आदमी हो गया, इसीलिए एक कम हो गया ना, जिसने लिखा उसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक पार्टी कम हो गई, तो बचा पे ही। तो अब पे में भी सेलर, पे में भी सम अदर पर्सन, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे बताओ बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल, तो हमें इससे मतलब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब यही लिखिएगा, फॉर अकाउंटिंग पर्पस we use bills receivable or bills payable, bills receivable or bills payable for promissory note और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग पर्पस से तो ये डिफरेंस हो गया बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल लिखेंगे। इंडियन करेंसी क्या है, प्रोमिसरी नोट। इधर देखो, इंडियन करेंसी है प्रोमिसरी नोट, फ्रीज। अब इसमें होता है ना, आई प्रोमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ 500 रुपीज, समझ आए। तो ये पहले जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे तो एग्जाम में पूछा जाता था इंडियन करेंसी क्या है, तो ये प्रोमिसरी नोट है जो इंडिया की करेंसी है। चलो फिलहाल हम लोग BRVP से अपना काम चलाएंगे। अब आगे बढ़ो, कंसेप्ट नंबर 2 पे आ जाओ। कंसेप्ट नंबर 2, हेडिंग लिखिएगा बेटा टर्म्स ऑफ बिल।
टर्म्स ऑफ बिल। चलो लिखो इसमें। द टर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मे बी एनी ड्यूरेशन यूजुअली द टर्म डज नॉट एक्सीड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिल। हाँ बेटा, हाँ डज नॉट एक्सीड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिल। ठीक है, आगे लिखो। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए जरा। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन फॉलोइंग मे बी टर्म्स ऑफ बिल। फॉलोइंग मे बी टर्म ऑफ बिल। लिखिए, टर्म ऑफ बिल में तीन चीजें। पहला, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट, और बिल एट साइट। सबसे पहले इसमें सीखेंगे मतलब बिल आफ्टर साइट का। लिखिए इसमें, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट द टर्म ऑफ द बिल बिगेन्स टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगला लिखिए, बिल आफ्टर डेट इसमें लिखिए बेटा, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट द टर्म ऑफ बिल
begins to run from the date of drawing the bill. Bill at sight लिखिए बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट is mentioned. लिखिए when it is expressed to payable on demand third point likhna beta फर्स्ट पॉइंट ये था सेकंड और अब हम थर्ड करने जा रहे हैं. लिखिए एक्सपायरी ऑफ एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ अ बिल. लिखिए बेटा द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल टर्मिनेट्स इज कॉल्ड एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल. फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे डेज ऑफ ग्रेस. डेज ऑफ ग्रेस इसमें लिखिए every instrument payable otherwise than on demand is entitled to 3 days of grace from due date. Fifth point में लिखेंगे बेटा date of maturity. डेट ऑफ मैच्योरिटी इसमें लिखिए डेट ऑफ मैच्योरिटी इक्वल्स टू ड्यू डेट
प्लस डेज ऑफ ग्रेस ड्यू डेट प्लस डेज ऑफ ग्रेस चलो अब बेटा ये सब समझिए तभी हम लोग क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे। अब स्क्रीन पे देखो, पहले ये बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का मतलब सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा ये चीज देखना बेटा। अब हमने लिखा टर्म ऑफ बिल, तो टर्म ऑफ बिल का क्या मतलब होता है? यहां देखो, पहले देखो जब भी कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा बेटा तो ये एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से बनाया जाता है, और इसमें अमेंडमेंट कर करके ये कर दिया है कि किसी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लाइफ 90 डेज की होती है। ठीक है, 90 डेज मतलब नेगोशिएबल, मतलब ट्रांसफरेबल। जैसे आप अपनी फीस मुझे चेक से दो, आज की डेट डाल दो, मैंने 90 डेज तक वो चेक नहीं लगाई तो 91st डे पे वो चेक क्लियर नहीं होगी, वो एक्सपायर हो गई, बेकार हो गई। समझ में है? उसकी लाइफ 90 डेज की है, मतलब उसको यूज कर लेना चाहिए। तो पहली चीज तो मैंने ये लिखवाया आपको, क्या हमने लिखा कि टर्म ऑफ बिल का मतलब होता है, जैसे इधर देखो बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नौबत क्यों आएगी? जब इमीडिएट पेमेंट नहीं होगा, बोलो, तो डिले पेमेंट होगा, तो डिले पेमेंट 90 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। अब आप उसमें कुछ भी लिख दो लेकिन वो 90 डेज को एक्सीड नहीं कर सकता। तो देखो जैसे इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिख दिया 15 दिन, तो 15 डेज के बाद पेमेंट होगी, 1 मंथ तो 1 मंथ के बाद होगी, 2 मंथ तो 2 मंथ के बाद होगी, जवाब दीजिए, बट इट कैनॉट एक्सीड 90 डेज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ द बिल। समझ में आई बात? आगे बढ़ो। अब टर्म ऑफ बिल में दो बातें होती हैं, मैं यहां बताता हूं। देखो ये जो टर्म होता है ये दो तरीके का होता है। पहला ऑन डिमांड। अब ये क्या है, इधर देखो, आपने मेरे से गुड्स खरीदा, आज पैसे नहीं थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लिया दोनों ने। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि कितने दिन का आप क्रेडिट पीरियड ऑफर करते हैं। मैंने आपसे कहा बताइए कितने दिन का क्रेडिट पीरियड आपको चाहिए, वैसे तो हम 2 महीने का देते हैं, कितने दिन का चाहिए? आपने कहा बस आज पैसे नहीं है, कल पैसे आ जाएंगे, कल के बाद जब मर्जी तब पैसे ले लिया, तो बन तो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ये बना एट साइट। कौन सा बेटा? ये बना बिल एट साइट। अब इसमें ऐसे लिख दिया जाएगा, टर्म में इसका जो टर्म होगा उसमें लिखेंगे एट साइट। अब एट साइट का मतलब ये हुआ इसमें कोई डेट नहीं पड़ेगी। क्या हुआ, आपने मेरे से सामान खरीदा, लिखा पड़ी उसकी हो गई, उसमें एट साइट लग गया। एट साइट मतलब जिस दिन हम उसको लेके जाएंगे उसी दिन हमको पेमेंट हो जाएगी, है ना। ऑन डिमांड मेरे ऊपर है, जैसे आप अपनी फीस चेक से मुझे दो तो आप रेडी हो ना कि चेक कभी भी डेबिट हो जाएगी, डिपेंड मुझ पर करता है चेक मैं लगाता कब हूं। That is also a kind of demand instrument. समझ आई बात? तो इसको बोलते हैं bill at site. जब जब लगा देंगे उसी दिन पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, तो ये ऑन डिमांड हुआ। अब तो ये मैंने आपको बताया एट साइट क्या होता है। अब ये दोनों आफ्टर साइट और आफ्टर डेट क्या होता है ये भी सुन लो बेटा। पहले आफ्टर साइट की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है यहां से मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए होलसेलर के पास रिटेलर के यहाँ से एक आदमी आया सामान खरीदने, नोटिस करना, मैंने कहा होलसेलर के पास से रिटेलर के यहाँ से एक आदमी आया, रिटेलर खुद नहीं आया, इसका मतलब समझे, सामान खरीदने के लिए आया, गुड्स पैक हो गए, पैक होने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पैसे मांगे गए, तो
पैसे उसके पास थे ही नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। समझ आए? अब मुझे बताओ, रिटेलर खुद आया है या उसके यहां से कोई आया है ना? अब होलसेलर कहता है चलो इस पे साइन करो, तो वो कहता है मैं तो इंप्लॉय हूं, मैं क्यों साइन करूं, मेरे साइन करने से होगा भी क्या? तो कहते हैं तुम्हारे इंप्लॉयर कहां है? अब वो कहता है मान लो कहते हैं आउट ऑफ कंट्री है, वो 15 दिन बाद आएंगे। अच्छा, वो इतना बड़ा बायर है कि सेलर उससे अपने टर्म्स बिगाड़ना भी नहीं चाहता, तो कहता कोई बात नहीं चलो सामान ले जाओ और ये बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, जब आएंगे तो बोलना पढ़ के साइन कर देंगे। समझ में? तो जब वो आएगा, पढ़ेगा, साइन करेगा, उस दिन से दिन काउंट होने शुरू होंगे। मान लो 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, तो डेज कहां से काउंट होना शुरू होंगे? जिस दिन साइन होगी। समझ आए? उस दिन से नहीं, जिस दिन बिल बनेगा। बात समझाई बेटा? उस दिन से जिस दिन बिल साइन होगा वहां से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बिल आफ्टर साइट। हाँ, अब इधर देखो, चलिए बताइए फटाफट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टर्म किस से एक्सीड नहीं कर सकता? 90 डेज से। बोलो बेटा, 90 डेज से एक्सीड नहीं होगा। अब बताओ एड साइट का मतलब? कोई भी डेज या मंथ्स उसमें लिखे नहीं है, जब मर्जी होगी बायर की, सेलर की, वो लगाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इमिडिएटली पैसे मिल जाएंगे। जैसे समझ लो ATM जब हम लोग लगाते हैं इमिडिएटली पैसा मिल जाता है, वैसे ही समझ लो ऑन डिमांड ही तो हो गया। समझ गया ना? बस ATM से अपने खाते से निकालते हैं, वो दूसरे के खाते से निकलेगा। ठीक है? अब यहां हो दूसरा बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? देखिए फिर से एक बार, बिल आफ्टर साइट का मतलब जैसे मेरे आपके बीच में आज ट्रांजेक्शन हुई, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज बना, तो डेट उसमें आज की पड़ेगी, और मान लो 2 महीने का उसमें टर्म डाल दिया गया, तो वो 2 महीने तब से काउंट होंगे जिस दिन आप आके सिग्नेचर करोगे। ठीक है? जिस दिन सिग्नेचर करोगे। अब आगे बढ़िए, आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, आफ्टर डेट का मतलब, आफ्टर डेट का मतलब ये है, ये आफ्टर डेट इसका मतलब ये है। देखो मेरी तरफ, आप मेरे पास गुड्स परचेज करने आए, गुड्स मैंने पैक करा दिए, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया। देखिए मेरी तरफ, आप मेरे से गुड्स परचेज करने आए, मैंने गुड्स पैक करा दिया, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया। ठीक है? अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया, अब ये देखो, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया, बन के रेडी है। इसमें मैंने मान लो 2 महीने का टाइम डाल दिया, 10 लाख का था, 2 महीने का टाइम डाल दिया, मैंने अपना साइन कर दिया, सेलर का साइन हो गया, लेकिन किसका अभी नहीं हुआ है? जब तक दूसरी पार्टी का साइन नहीं हुआ तब तक इसको ड्राफ्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट मतलब जब तक पूरी तरीके से लीगलाइज नहीं हुआ, जब तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या मतलब इसका? कोई भी लिखता रहे किसी पे। ठीक है? तो ये ड्राफ्ट है। अब सुनो बेटा, ये ड्राफ्ट है। अब देखो इधर मेरी तरफ, आप मेरे पास गुड्स परचेज करने आए, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया, मैंने साइन कर दिया, डेट भी डाल दी, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो, आपके बिहाफ पे कोई आया है, तो जब आप अवेलेबल होगे तब साइन करोगे, तब से डेज काउंट हो, है ना? लेकिन वो तब होता है जब वो हो आफ्टर साइट। समझ गए? तो अब मैंने क्या किया, इधर देखना, मैंने इसमें लिख दिया आफ्टर डेट, एक कीवर्ड डाल दिया आफ्टर डेट। अब आफ्टर डेट का मतलब ये हुआ, देखो आपने आज सामान खरीदा, सामान आज ले गए, बिल आज बना, मेरा साइन आज है, पता चला आप साइन कर रहे हो 20 दिन बाद, आप साइन कर रहे हो 20 दिन बाद, लेकिन ठीक है जाओ, आप साइन कर रहे हो 20 दिन बाद, लेकिन डेज आज से ही काउंट होना शुरू होंगे, जब से ये बिल बना है, जब से मेरा साइन हुआ है, डेज तभी से काउंट होंगे, आपकी साइन से बस वैलिडिटी आएगी इसमें, वहां से डेज नहीं काउंट होंगे। वहां से कब काउंट होंगे? जब लिखा हो आफ्टर डेट। अब बात समझ में आ गई? चलो बताओ सब बच्चे, किस डेज से एक्सीड नहीं कर सकता? 90 डेज से एक्सीड नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरा, अब बताओ एड साइट का मतलब? ऑन, ऐसे बोलो, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जब मांग लिया तो मिल जाएगा, या ऑन प्रेजेंटमेंट बोलते हैं, जब प्रेजेंट होगा पैसा मिल जाएगा, तो वो क्या हो गया बेटा? ऑन डिमांड
अच्छा, अब इसके बाद तीसरा ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब क्या हुआ? आफ्टर साइट का मतलब बिल तो रेडी है लेकिन उसके डेज तब से काउंट होंगे जब से एक्सेप्टर सिग्नेचर करेगा। और आफ्टर डेट का मतलब क्या हुआ? आफ्टर डेट का मतलब ये हो गया कि जिस दिन बिल बना है वहीं से डेज काउंट होंगे। अब एक्सेप्टर भले आखिरी दिन साइन करे उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन डेज वहीं से काउंट होंगे। सबको समझ में आ गया? तो ये कीवर्ड्स होंगे उसमें क्वेश्चन में, तो हमें ध्यान रखना होगा। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज देखो, यहां पे दूसरी चीज देखो। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा क्योंकि ये सब ना कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। अब देखो मेरी तरफ, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को आपने मेरे से गुड्स खरीदा। स्क्रीन पे देखो, 1 अप्रैल 2022 को आपने मेरे से गुड्स खरीदा। यहां पे हम लोगों ने बना दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, मैंने और आपने सिग्नेचर कर दिए और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर मेरे पास है। अब मान लो इसमें 2 महीने का टाइम पीरियड डाला गया। कितने दिन का बेटा? 2 महीने का। खूब ध्यान से सुनना। तो अब क्या होगा? देखो, 1 अप्रैल से 1 मई एक महीना काउंट होगा, 1 मई से 1 जून दूसरा महीना काउंट होगा। अब यहीं रुक जाना पहले टुकड़ों में, आधा अधूरा पढ़ के आओ तुम लोग। अब यहां देखो, पहले 1 जून पे यहीं रुकेंगे। अब 1 जून को ये बिल एक्सपायर हो गया, 1 जून को ये बिल एक्सपायर हो गया, या 1 जून इसकी ड्यू डेट है। क्या है बेटा? ड्यू डेट। तो जिस डेट पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सपायर होता है दैट इज नोन एज ड्यू डेट। एनी डाउट? अब आगे सुनो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सबको 3 दिन की मोहलत देता है। जैसे ये 1 जून को क्लियर होना चाहिए लेकिन 2 जून 3 जून 4 जून 3 दिन की मोहलत मिली जाएगी। इसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। समझे? डेज ऑफ ग्रेस। और अब इसकी पेमेंट आएगी 4 जून को। समझ गए? 4 जून को बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। तो हमेशा पेमेंट होती है मैच्योरिटी डेट पे, और पेमेंट डेट और ड्यू डेट के बीच में डेज ऑफ ग्रेस का फर्क होता है। बात समझ में आई? तो ये देखो, ये 3 चीजें यहां लिखवाई थी मैंने। एक्सपायरी डेट, जल्दी से बताओ व्हाट इज एक्सपायरी डेट? जिस दिन टर्म खत्म हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं ना, जिस दिन टर्म खत्म हो रहा है दैट इज एक्सपायरी डेट। फिर क्या मिलेंगे? 3 दिन ग्रेस वाले सबको मिलते हैं। तो अगर ड्यू डेट में ग्रेस वाले डेज जोड़ दो तो क्या बन जाएगी? मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। और हमेशा पेमेंट कब होगी? मैच्योरिटी डेट को होगी। चलो कंसेप्ट 3। कंसेप्ट 3, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। लिखो इसमें 3 पॉइंट। पहला, इफ अ बिल फॉल्स ड्यू इन दोज मंथ इन विच देयर इज नो करेस्पॉन्डिंग डे, its maturity date will be
the last date of such month. Second point, if the due date including days of grace falls on Sunday or a public holiday, or gazetted holiday, due date will be supposed to be one day earlier. Third point, if the due date including the days of grace has been declared as emergency holiday, the due date will be supposed to be 1 day later. लिख लिया? चलो अब ये बेटा पॉइंट्स हैं जिसकी जरूरत पड़ती है हमें. चलो अब ये एक एक करके मैं समझाता हूं. सब बच्चे स्क्रीन पे देखो. देखिए अब फर्स्ट पॉइंट का मतलब बता रहा हूं. असल में हम लोग को क्या होता है ना, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, इंटरेस्ट, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसमें डेज की जरूरत पड़ती है. ये तो ये कैसे काउंट करोगे मैं बता रहा हूं. अब इधर देखो, मान लीजिए अब ऐसे सुनो बेटा, मान लीजिए कोई बिल लिखा गया 29 फरवरी को, ठीक है ना, नहीं जनवरी में, चलो मान लो 31 जनवरी को कोई बिल लिखा गया, एक महीने का उसका टर्म है, तो
तो अब बताओ होना क्या चाहिए, अब ऐसे काउंट होना चाहिए ना 31 जनवरी से 31 फरवरी। अच्छा 31 फरवरी तो होती ही नहीं, तो जो फरवरी का लास्ट डे है मान लिया जाएगा उसी दिन एक महीना पूरा हो गया, समझ गए ना। तो 31 जनवरी से 28 या 29 फरवरी जो भी आएगी उस दिन एक महीने हो गए, अब 3 दिन उसी में जोड़ देंगे। मान लो 28 फरवरी आई तो 28 को महीना खत्म, एक्सपायर हो गया, अब 3 दिन जोड़ो, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, 3 मार्च को पेमेंट जाएगी। ये पहला पॉइंट है, समझ में। अगर बिल किसी ऐसे दिन लिखा गया, अगर बिल किसी ऐसे दिन लिखा गया जो डेज करिस्पॉन्ड नेक्स्ट मंथ में है ही नहीं या उस मंथ में है ही नहीं, तो जो उसकी लास्ट डेट है उसी को हम लोग मान लेंगे, है ना। ऐसे भी तो होना है, 30 और 31 का महीना होता है, समझ आए बेटा। अब 30 अप्रैल को बिल लिखा गया, 30 मतलब जो डेट नहीं आएगी उसको आप मान के चलो, मंथ में मंथ लेके चलना, डेज में डेज लेके चलना, बस ये। अब यहां आओ पढ़ो क्या लिखा है, इफ अ बिल फॉल्स ड्यू इन दोज मंथ इन विच देयर इज नो करिस्पॉन्डिंग डे, इट्स मेच्योरिटी डेट विल बी लास्ट डेट ऑफ द सच मंथ। आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अब इधर देखिए, जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए 12 जुलाई को कोई बिल लिखा गया एक महीने के लिए, तो एक महीना कब पूरा होगा, 12 अगस्त, 3 दिन ग्रेस के जुड़ेंगे, आ जाएगी 15 अगस्त, 15 अगस्त को पहले से ही छुट्टी अनाउंस है तो इसकी पेमेंट होगी एक दिन पहले, समझ है। ऐसे अगर बिल ऐसी डेट पे आ रहा है, उसकी मैच्योरिटी डेट आ रही है जो पहले से ही अनाउंस्ड हॉलीडे है। अच्छा प्री अनाउंस्ड हॉलीडे होती क्या है, जो होती है उसको छोड़ो, सवाल किस पे लगते हैं, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, यही है प्री अनाउंस्ड डेट। होती तो बहुत सारी है ना, लेकिन हम लोग के जो क्वेश्चन जिसके इर्द गिर्द चलते हैं वो यही है, 2 अक्टूबर पड़ेगा तो उस दिन छुट्टी है उसके एक दिन पहले, 15 अगस्त से एक दिन पहले, 26 जनवरी से एक दिन पहले, ज्यादातर क्वेश्चन में यही मिलेगा, ठीक है। अच्छा सडन हॉलीडे आ गई तो एक दिन बाद, तो एक दिन का टाइम दिया जाता है, जैसे सडन हॉलीडे आ गई, अब मान लो यही बिल 13 जुलाई को लिखा था तो 13 अगस्त को पूरा होता, 3 दिन जुड़ते तो 16 अगस्त को आता। अब मान लीजिए 16 अगस्त को किसी रीजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉलीडे अनाउंस कर दी तो अब इसकी पेमेंट जाएगी 17 तारीख को, लॉजिकल है यार, 16 को तो किसी को पता भी नहीं था ना कि छुट्टी होगी कि नहीं होगी, तो उस दिन कैसे हो सकता है, उससे एक दिन पहले तो हो ही नहीं सकता, तो आगे ही तो जाएगा ना। अब लॉजिकली सारी बातें याद करो, पहला अगर मान लो अगर बिल ऐसी डेट पे आ रहा है जो डेट उस करिस्पॉन्डिंग मंथ में होती ही नहीं तो क्या करेंगे, लास्ट डेट ले लेंगे। दूसरा बेटा अगर प्री डिसाइडेड हॉलीडे पड़ गई तो फिर, लेकिन गैजेटेड होनी चाहिए, गैजेटेड, ठीक है। और गैजेटेड का मतलब क्या, वो दो तरह की हॉलीडे होती है, दो तरह की हॉलीडे होती है, एक लोकल लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे ना, तो यहां नेशनल लेवल वाली चाहिए, समझ गए। अब जैसे मान लो हम लोग यहाँ बड़ा मंगल मनाया जाता है, अब बड़े मंगल को मान लो यूपी गवर्नमेंट लखनऊ में छुट्टी करने लगे तो वो तो यूपी में ही होता होगा ना मेरे हिसाब से, और जगह उस तरह नहीं मनाया जाता होगा, तो दैट इज नॉट अ गैजेटेड हॉलीडे, समझा है। या क्वेश्चन में लिख दे तो जिस डेट को लिख देगा वही हॉलीडे हो जाएगी, अदरवाइज ऐसे लेके चलेंगे, लोकल लेवल वाली नहीं नेशनल लेवल वाली। अच्छा तो अब ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, बताओ बेटा। अब हर क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो चलिए अब इतनी बात हो गई, अब आते हैं अपनी एंट्रीज पे। अब हेडिंग बनाओ जरा, कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज
और प्रॉमिसरी नोट। चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए जर्नल एंट्रीज। लिखिए इन जर्नल एंट्रीज वी अज्यूम ए एज ड्रॉअर and B as drawee. जर्नल एंट्रीज में A को हम लोग drawer और B को drawee लेके चलेंगे। ठीक है शुरू करूं? अब लिखो जरा। सिचुएशन वन, व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉअर in his own position till maturity. अब देखो बेटा, सेलर जब बायर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करवाता है तो जो एंट्री है वो सेलर की बुक में भी हो सकती है, बायर की भी बुक्स में भी हो सकती है। बोलो बेटा, है ना? तो हम लोगों से एग्जाम में किसी की भी बुक में पूछ लेते हैं, तो हम दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। कोई भी एंट्री पढ़ेंगे तो ड्रॉअर की बुक्स में क्या होगी? ड्रॉअर कौन हुआ? सेलर कौन है? मेकर, है ना? मेकर। तो ये हो गया ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों की बुक्स में लेके चलेंगे। तो तीन इसके पार्ट कर देना, एक पर्टिकुलर्स का जिसमें लिखेंगे एंट्री क्या है और एक बुक्स ड्रॉई की, एक बुक्स ड्रॉअर की। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। और हम लोग एंट्रीज में ये एज्यूम करके चलेंगे, जब मैं ए लिखूंगा तो ए का मतलब हो गया ड्रॉअर और जब बी लिखेंगे तो बी का मतलब ड्रॉई, वरना बार बार वो लिखना पड़ेगा। लिखिए सबसे पहला पॉइंट है व्हेन goods
आर सोल्ड फ्रॉम ए टू बी व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम ए टू बी अब बताइए जरा ए अगर बी को गुड्स बेचेगा तो ड्रॉअर मतलब ए हो गया ड्रॉअर और बी हो गया ड्रॉई ए अपने यहां क्या एंट्री पास करेगा बेटा बी डेबिट टू सेल्स क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना तो कैश में तो पेमेंट होगी नहीं तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात आएगी तो यहां लिखो बी डेबिट टू सेल्स चलो फटाफट बताओ बी अपने यहां क्या एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए सेकेंड पॉइंट When A receive bill from B, बताओ बेटा A को बिल मिल गया B से तो A अपने यहां क्या लिखेगा बिल्स रिसीवेबल तो यहां एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B और यहां एंट्री होगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल बीइंग बी आर रिसीव्ड Being BP accepted. On maturity date, on maturity date, bank account debit to bills receivable. Bills payable debit to bank. Being BR collected. Being BP paid. Being BP paid. ठीक है बेटा हो गया चलो अब ये मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं सुनते जाओ आप सब लोग देखिए कोई भी एंट्री याद नहीं करनी है जैसे मैं बता रहा हूं जरूरत पड़ेगी तो एंट्री वैसे बना लेंगे अब यहां देखो ये सेलर है ये है ए और ये है बी जब भी एंट्री बनाइएगा सुन लो अच्छे से जब भी एंट्री बनाइएगा तो परचेज सेल से ही बनाइएगा चाहे किसी भी चीज की एंट्री बनानी हो एकदम शुरू से तो सारी एंट्री बनती चली जाएगी रटना नहीं पड़ेगा अब जैसे बताओ बी ने खरीदा गुड्स ए से तो ए अपने यहां पास करेंगे एंट्री बी डेबिट टू सेल बोलो बेटा बी क्या पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए तो ये तो सेल परचेज की एंट्री हो गई अब पैसे उस दिन होंगे नहीं तो एक स्टैम्प पेपर पे बिल लिखा जाएगा और बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा कौन उसको रखेगा अपने पास ए तो अब ए लिखेगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट
और ये जो बी है उसका खाता बंद कर देगा। बी डेबिट है ना, तो बी को क्रेडिट कर देगा। क्यों? क्योंकि बिल किस पे बना है? स्टैम्प पेपर पे, तो पैसे तो निकलवा ही लेंगे यहां, नहीं तो कोर्ट में, समझ में। और ये अपने यहां एंट्री पास करेंगे, ए डेबिट टू बीपी, ए डेबिट टू बीपी। ये कहेगा जो ए हमारा क्रेडिटर था अब वो क्रेडिटर नहीं रह गया, अब तो बिल मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया, समझ आया बेटा, एक्सेप्ट कर ही लिया। अब क्या होगा, बिल में महीने दो महीने तीन महीने की डेट होगी, जैसे ही वो पूरी होगी तो पेमेंट मिल जाएगी, पेमेंट मिल जाएगी, तो ये अपने यहां एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, और यहां पे बीपी डेबिट टू बैंक। इनकी पॉकेट से पैसा जाएगा इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे, इनकी पॉकेट में आएगा बैंक डेबिट होगा, बीआर बीपी क्रेडिट डेबिट। अब एक सेकंड के लिए सारी एंट्रीज जरा देखना, ये देखो बी डेबिट बी क्रेडिट, बी आर डेबिट बी आर क्रेडिट एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि कैश सेल की एंट्री होती है, हुई ना। ऐसे यहां देखो ए डेबिट ए क्रेडिट, बीपी डेबिट बीपी क्रेडिट, परचेज डेबिट टू बैंक, जो कि कैश परचेज की एंट्री होती है, ठीक है। और यहां तक इस स्टेज पे आके तो कैश परचेज ही हो गई फिर ना, या कैश सेल हो गई, तो ऐसे एंट्री बनाई जाती है। अच्छा बोलो यहां तक समझ में है? तो अब ये क्या है, ये पहली सिचुएशन है। पहली सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, पहली सिचुएशन का मतलब आपने मुझसे गुड्स खरीदा, मैंने आपसे बिल लिखवाया और वो बिल रख के मैंने अपने पास होल्ड किया, तीन महीने का इसमें टाइम पड़ा है तो तीन महीने मैंने अपने पास वेट किया, तीन महीने जब पूरे हो गए तो मैं बैंक में लेके गया, इसको दिया, वहां से मुझे पैसे मिल गए, तो इसको बोलते हैं व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल हिज ओन पोजिशन, मैंने अपने पास बिल को रखा तो ये एंट्री होगी। बताइए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए अब अगला, अब हम लोग क्या खाली इसी पे एंट्री नहीं आती, देखो अब इधर रिटेन करने की, डिस्काउंट करने की, एंडोर्स करने की, रिबेट की और सेंड फॉर कलेक्शन, जब पांच केस कर लेंगे तब अपने यहां क्वेश्चन शुरू होता है, पांचों एक साथ आना शुरू होते हैं, वहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो अभी एक केस हुआ, अभी चार सिचुएशन और करेंगे समझते हुए, फिर चारों जब हो जाएंगी तब वो क्वेश्चन ऐसे बनने शुरू होते हैं जिसमें वो चारों शुरू होंगे। चलो दूसरा लिखो, सिचुएशन टू, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, When bill is discounted from bank, बताओ बेटा। चलो अब देखो मेरी तरफ देखो, आओ यहीं पे एंट्री बना लेते हैं, मुझको भी कोई एंट्री याद थोड़े ना है, मैं भी ऐसे ही बना लेता हूं, आप भी ऐसे सीखो न रट पाएंगे हम लोग कुछ। अब आओ यहां देखो, खूब ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा मान लो ऐसा हुआ कि आपने मुझसे गुड्स खरीदा, तो मैंने एंट्री करी बी डेबिट टू सेल, आपने करा परचेज टू ए। अब मैंने पैसे मांगे, पैसे आपके पास थे नहीं, एक पेपर आया उस पे बिल लिख दिया गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आ गया, मैंने करा बी आर टू बी, मेरे लिए एसेट है ना ये, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और आपके लिए लायबिलिटी है तो आपने क्रेडिट कर दिया।
तो ये एंट्री हो गई। अब ये बिल मेरे पास है तो एक तरीका ये है, इसमें 2 महीना लिखा है तो 2 महीने में रख के इंतजार करूं, जब 2 महीना बीतेगा तो लेके जाएंगे पैसे कलेक्ट करेंगे। तो वो पहली सिचुएशन थी व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। अब दूसरी ये है, देखो इधर, मैंने आपसे बिल लिखवाया, इसमें लिखा तो है 2 महीने, 2 महीने बाद हमको पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे आज ही पैसे की जरूरत पड़ गई। तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इससे पैसा मिलना निश्चित है, ये तो स्टैम्प पेपर पे है, कोर्ट में केस हो जाएगा, तो ये बिल ले जाके मैं बैंक में बेच देता हूं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक में बेच दिया, वहां से पैसे ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या एंट्री होती है, यही बनाते हैं। देखो अब बैंक में इसको बेचेंगे, बैंक में बेचेंगे, तो देखो जो बिल मेरे पास था इसको बेच दिया, तो 2BR क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मुझको पैसा मिलेगा, हमेशा पैसा खाते में आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और 100 रुपए का बिल होगा तो बैंक कुछ 10 रुपए काट लेता है, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस नाम से है, मुझको मिलते 90 है, तो क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2BR। समझ में आप, आपसे क्या मतलब, नो एंट्री। आपने तो एक बार बिल लिख दिया, अब 2 महीने बाद आपकी जेब से पैसा जाएगा ना, उसके बीच में मैं क्या कर रहा हूं, उसकी एंट्री मैं करूंगा, आपसे क्या मतलब, समझ में। तो आपकी बुक में नो एंट्री। अच्छा अब ड्यू डेट आ गई, अब इसकी ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट। तो अब ड्यू डेट पे बताओ ये बिल किसके पास है, अब बैंक किससे लेगा, आपसे। तो मैं अपने यहां क्यों एंट्री करूंगा, मेरे बुक में नो एंट्री, आप पैसा दोगे टू बैंक BP डेबिट, और बैंक अपने यहां एंट्री करेगा, बैंक वाली एंट्री हमसे पूछी नहीं जाती, ड्रॉअर की बुक में मांगता है या तो ड्रॉई की बुक में एंट्री मांगता है, समझ में। तो ये एंट्री होगी, कोई डाउट बेटा, जब सब समझते रहोगे तो एंट्री तो तुरंत बन जाती है खुद से, एंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखते हैं इसको जल्दी से। पहली एंट्री, व्हेन ए डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR बीइंग बिल डिस्काउंटेड और इसके यहां ऑन ड्यू डेट नो एंट्री, इसके यहां हो जाएगी BP डेबिट टू बैंक बीइंग BP पेड। लिख लिया, तो अब चलो आज टाइम खत्म हो गया, यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।